हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कल मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उन्हें ना तो धमकी दे सकते हैं और ना वापस भेज सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस नेता के पूर्वजों की रियासत नहीं है। कंगना ने मंडी संसदीय सीट के अंतर्गत मनाली विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका कर वापस भेज दोगे। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहाँ चाय बेचने वाला एक छोटा गरीब लड़का लोगों का सबसे बड़ा नायक और प्रधान सेवक है। आपको बता दें कि हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को कहा था कि कंगना विवादों की रानी हैं और समय समय पर दिए गए उनके बयानों पर सवाल उठाते रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के वो बेटे हैं। उन्होंने दरअसल गोमांस खाने पर कंगना के कथित बयानों का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें बुद्धि दें और आशा करता हूँ कि वो देवभूमि हिमाचल से शुद्ध होकर बॉलीवुड वापस जाएंगी। ये चुनाव नहीं जीत पाएंगी क्योंकि कंगना हिमाचल के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। इसके पलटवार में परोक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह को पप्पू करार देते हुए कंगना ने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा पप्पू है और हिमाचल में एक छोटा पप्पू, जो कहता है कि कंगना गोमांस खाती है। कंगना ने पूछा कि वो उनके गोमांस खाने का सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आयुर्वेदिक और योगिक जीवन शैली का पालन करती हूँ। विक्रमादित्य सिंह को एक नंबर का झूठा और पलटूबाज करार देते हुए कंगना ने आश्चर्य जताया कि जब बड़ा पप्पू ही नारी शक्ति को नष्ट करने की बात करता है तो उनसे छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। क्या कहा कंगना ने इस रैली के दौरान, वो बयान आपको सुनवाते हैं। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ में भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते, जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो कि हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।